इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। तकसीम हुए हुए हैं, आपस में इत्तेहाद नहीं है। और दूसरा, जो आज का इंटरनेशनल सिनेरियो है उसमें फॉरेन पॉलिसी ड्राइव करता है आपके इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो मुल्कों के साथ है। आज अगर सऊदीया और इंडिया की तजारत तेज है तो वो आवाज उस तरीके से नहीं उठाएगा कश्मीर के मामले के ऊपर, क्योंकि वो तजारत हो रही है। यही प्रॉब्लम और भी मुल्कों के साथ है, जिसकी तजारत जिसके साथ ज्यादा है वो ह्यूमन राइट क्राइसिस करे, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे, लेकिन वहां आपको आवाज उठाते हुए नहीं नजर आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट इतने अजीज हैं कि आप सब कुछ भूल गए, इवन आप हिस्ट्री भी भूल गए लगाई साहब, लेकिन आपसे बेहतर हिस्ट्री कोई नहीं बता सकता है। मैं चाहूँगी आप बताएं उस 73 में क्या हुआ था जब जुल्फ़ार अली भुट्टो ने पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे शाम और उर्दन भेजे थे, और उस वक्त भी यही बात थी कि इसराइल के तैयारे तबाह किए गए थे। ना सिर्फ उस वक्त ये हुआ था बल्कि जो इस जंग में शुमाली कोरिया ने भी अपने 20 पायलट्स जो थे वो मिस्र भिजवाए थे, जब उस वक्त ये हो सकता था, दीगर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो सकते थे इसराइल के खिलाफ, तो फिर ये आज क्यों नहीं हो सकता। हम अपना एतबार गंवा चुके हैं, हम अपना वकार गंवा चुके हैं। आपने फिर देखा था क्या हुआ जी, 73 में भुट्टो साहब ने यहाँ से पायलट भेजे, यहाँ से तैयारे गए और उन्होंने जाकर दिफा किया जी फलस्तीनियों का जी। फिर उनकी दोस्तियाँ थी, यासर फात थे, हाफिज अल असद से, शाह फैसल से, मामर कजाफी से और तमाम ये अरब ममालिक के सरबराहान से, और मुसलमानों को एक कुव्वत के तौर पर जमा किया था। उससे अगले साल 1974 में एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और बहुत बड़ा शो था, और उन्होंने ठोस फैसले किए थे और अरब दुनिया की अपनी इकनॉमी जो है वो बहुत ठोस बन गई थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि चार साल के अंदर अंदर ना तो शाह फैसल रहे और ना ही भुट्टो साहब रहे। लेकिन वो नहीं भूला था जिसके पीठ में कांटा चुभा था ना, अमेरिका नहीं भूला था। उसने फिर नहीं छोड़ा भुट्टो साहब को, नहीं छोड़ा शाह फैसल को, नहीं छोड़ा जो है अपना हाफिज अल असद को। हाफिज अल असद के बाद अब तक उसके मुल्क के अंदर जो है तबाही और बर्बादी जो है वो फैलाई हुई है। अब मुअम्मर कजाफी को जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया, वो वही इंतकाम था जो उसने अपने दीदा और दिल फर्शे रहा कर दिए थे, अपने वसायल जो है वक्त कर। और फिर उस वक्त यासर अरफात को अमीर कुवैत अपने तैयार आए थे उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, और ना सिर्फ ये, भुट्टो की फांसी के बाद फिर ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कुछ और इस पर डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह अभी ब्रेक से पहले हम कुछ तारीख पर नजर डाल रहे थे, क्या कभी ऐसा हुआ था, आज हमारे बच्चे, हमारी नौजवान असल हमसे सवाल ये करती है क्या हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, क्या हम अपनी फौज वहाँ भिजवा सकते हैं, क्या हम अपने तैयारे वहाँ भिजवा सकते हैं, वो भी तो मुसलमान हैं, वो भी तो किसी के बच्चे हैं जिन पर इतना जुल्म हो रहा है। तो हमने थोड़ी सी तारीख आपको याद दिलाई कैसा हुआ था, 73 में ऐसा हुआ था। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत और इसराइली जो लोग हैं उन पर कभी एतबार नहीं किया जा सकता, ये नाकाबिल एतबार लोग हैं, और आज वो साबित हो रहा है। हमें समझना होगा कि भारत क्या चाहता है। भारत भी यही चाहता है कि पूरी जनूबी एशिया को भारत बना दे और अपना पूरा कब्जा जनूबी एशिया पर कर ले, और कुछ ऐसा ही कुछ इसराइल चाहता है। इसराइल का जो मंसूबा है, ग्रेटर इसराइल जो मंसूबा है वो यही है, और वो ग्रेटर इसराइल तसव्वुर यही है कि आप पूरा कब्जा कर लें। उसमें उर्दन, शाम, सऊदी अरब कई हिस्से आते हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है, पूरे मशरक़ वुस्ता पर उसकी नज़र है। हमें ये समझना होगा, और ये सिर्फ हमें नहीं
मैं हमें से मुराद मुस्लिम उम्मा है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा को समझना होगा कि क्या है तसव्वुर, ग्रेटर इस्लाह का तसव्वुर क्या है, वो क्या चाहता है और ये सेहूनी सोच क्या है, ये जो जुल्म हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी एक साजिश है। मैं चाहूँगी हारिस साहब आप भी ज़रा रोशनी डालिए, हमने 73 की बात करी, हमने उस वक्त की बात करी, हमने कायद आज़म के उस फ़लसफ़े की बात की जिसको हमें आज अपने बच्चों को बताना चाहिए, हमें खुद भी याद करना चाहिए, हमारे पूरे मुस्लिम उम्मा को याद करना चाहिए कि आज मुसलमान अगर इकट्ठे नहीं हुए तो उनकी नज़रें बहुत गहरी हैं, इन्होंने कब्ज़े करने हैं मुस्लिम ममालिक पर, तो ये हमें सोचना होगा, अगर हमने आज नहीं सोचा तो फिर नुकसान हम सब भुगतेंगे। देखें सबसे बड़ी बात यह जो मैं पहले बात कर रहा था, ये पहले मुसलमान मुल्कों का काम है, यूरोप भी ये कहेगा व्हाट द हेल यू पीपल आर डूइंग, व्हाई यू आर क्वाइट, फिर उसके बाद आगे की बात करें चाहे यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका को तो आप छोड़ दें और यूनाइटेड नेशन में जो कि टोटली कंट्रोल में उनके वो बात है। देखें अगर हम पहले तमाम मुसलमान मुल्क मिल के एक तो फैसला करें कि हम फलस्तीन को सपोर्ट करें, उनको आर्म्स अगर में हेल्प करें, यूनाइटेड नेशन जनरल कन्वेंशन का रूल है अगर कोई मुल्क किसी पे गास्पाना कब्जा करे उनका ये फंडामेंटल राइट है टू हैव आर्म स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और उसमें अगर वो किसी से मदद करें वो भी करें, आपके साथ जॉर्डन की इनके साथ लगती है, सरहद लगती है, सीरिया की लगती है, ऑल मुसलमान मुल्कों की लगती है, वहाँ के थ्रू चाहे पाकिस्तान, टर्की, ईरान तो पहले ही करता है और अरब ममालिक, वाई कांट वी गिव दम ऑल मटीरियल सपोर्ट, they are to fight it out, the only thing is they are armless, उनके पास कोई वेपन हथियार नहीं है, हम उनकी मदद क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल आप ये तो कर सकते हैं, उसके बाद जब आप जब तक इसराइल को देर इसराइली पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू देर कैजुअल्टीज, जहाँ उनकी कैजुअल्टीज होंगे, अगर आपको याद हो लेबनान में इशू हुआ था तो हिजबुल्ला ने जब इनको मारा था तो दो दिन में ही सीधे हो गए थे, उन्होंने जाके वहाँ पर ख़त्म कर दिया था। लाइक वाइज इंडिया और इसराइल दे नीड एन आयरन हैंड, दे नीड एन आयरन फिस्ट, they need to be sorted out with strength, only then they will understand. जहाँ कमजोरी दिखाएंगे गाइज, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज आपको भी पता है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का इस समय बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं इंडिया में, जैसे कि ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाना था उसका बना दिया गया गाजा मेरे गाजा इसराइल में समाजा। तो गाइज आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी मीडिया इसराइल को लेकर इस तरीके का पागलपन कि हदें पार कर चुका है, पता नहीं कौन कौन सी बकवास की इन्होंने, वहाँ के लोग तो मीडिया के लोग तक बात कर रहे हैं कि मुझे दे दो बम मैं इसराइल चला जाऊँगा, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया में ही हो सकती हैं, या पाकिस्तान की फ़ौज चली जाए, पाकिस्तान की फ़ौज अगर जाती भी है तो उसे दो तीन बार तो बीच में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। आपको बता दूं उनके हवाई जहाज़ में, इनके पास ऐसा इनकी हालत है और ये इसराइल जाएंगे लड़ने, मैं तो अंदर से चाहता हूं कि ये पाकिस्तान, ईरान, टर्की जितने जो ये उड़ते हैं इनकी फ़ौज बने और इसराइल से जाके भिड़े। इसराइल का आपको पता है इनके डिफेंस सिस्टम, इसराइल के इनकी मिसाइलें ऐसे मिसफायर करके इन्हीं के जो मतलब जिन लोग को ये सपोर्ट कर रहा है वहीं कहीं गिरा देंगे, या तो फिर ये वहाँ लड़ने जाएंगे और इनकी एक बार में ही ऐसी हजामत होगी कि इनको अब जीवन भर पता चल जाएगा इनकी असली औकात इस तरीके की बकवास कर रहे हैं। तो गाइस आपको बता दें कि OIC की जो भी मीटिंग हुई थी उसके बाद OIC ने बोल दिया है नहीं हमारे पिछवाड़े में दम, हम नहीं कर पाएंगे इसराइल का कुछ भी, सीधा बोल दिया कि सरेंडर। आपको बता दें पाकिस्तान, टर्की और ईरान ये तीन देश काफ़ी उड़ रहे थे, ये बोल रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना ठिकाना, अब कुछ नहीं, ख़त्म। अब इसराइल को है उसका मूड, जब तक वो रॉकेट फायर करेंगे हमास वाले तब तक वो रॉकेट, एक रॉकेट का जवाब वो 100 बड़ी बड़ी एयर स्ट्राइक से दे देंगे। अमेरिका वैसे भी खुलकर सामने आ गया है उनके सामने, और आपको भी पता है ये मसला स्टार्ट हुआ था जब अलास्का मस्जिद में जो फिलिस्तीनी थे पत्थर लेकर गए और नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने ईद से पहले पत्थर चला दिए इजरायली फोर्सेस पर और प्रदर्शन वगैरह चालू कर दिए। ये पाकिस्तानी सोचते हैं कि ये दुनिया में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आपको भी पता है इनका घंटा कुछ नहीं होना है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके की ये लेडी बात कर रही है ग्रेटर इसराइल बनाने का प्लान है जिसमें पूरा सऊदी अरब आता है, UAE आता है, जिस तरीके का भारत का अखंड भारत बनाने का प्लान है। गाइज आपको भी पता है, आपको भी ये रियलिटी पता है, ना ग्रेटर इसराइल बन सकता है ना अखंड भारत बन सकता है। आप कुछ भी कर लें, क्या आप चाहेंगे कि आप अखंड भारत बनाए जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब हों, और ये उसमें वैसे ही तो हमसे
इतने सारे अगर ये लोग हो गए तो वैसे ही परेशान कर डालेंगे। और इसराइल क्यों चाहेगा, इसराइल चाहता भैया हम जहाँ पर रह रहे हैं हमें शांति से रहने दो, वैसे ही इंडिया है, कोई क्यों चाहेगा। आज की दुनिया में ये 100 साल पहले का थोड़ी ना था कि पासपोर्ट सिस्टम था नहीं, कहीं पर भी जाकर घुस गए, घोड़े लेकर चले गए, 300 साल पहले घोड़े लेकर चले गए, जंग कर ली, वहाँ पे जीत गए तो वहाँ का हिस्सा कब्जा कर लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। आज की दुनिया अलग है, 100 साल 200 साल पहले की दुनिया अलग थी। तो पाकिस्तानियों का माइंडसेट वही पुराना वाला, बेवकूफ़ों वाला है, और अब इसके बारे में क्या बोलें। और पाकिस्तान की फ़ौज से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप के अंदर दम है, आप सही में इस्लामी फ़ौज है, टर्की ईरान, आप जाओ इसराइल से भिड़ो, यही वक्त है आपको अपनी पावर दिखाने का। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इंडिया ने यूएन में इसराइल का स्टैंड नहीं लिया है, इसका बेसिकली रीज़न ये है, इंडिया ने पहले कंडेम किया था हमास के रॉकेट फायर को, लेकिन उसके बाद ये भी क्लियर कर दिया कि हम फिलिस्तीन के मतलब जो लोग बेकसूर मारे जा रहे हैं उनके साथ हैं। बेसिकली इंडिया का ये रिएक्शन इसलिए था क्योंकि आपको पता है इंडिया के बहुत सारे लोग अरब देश में हैं, अरब इंडिया का बहुत करीबी पार्टनर है, अरब इसराइल का भी करीबी पार्टनर है, इसलिए वो खुलकर इसराइल के खिलाफ बोल नहीं रहा है। तो उनको कन्वेंस करने के लिए इंडिया का अंदर अंदर से सपोर्ट तो इसराइल को है, लेकिन ऊपर ऊपर से ऐसा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। और इसराइल भी ये चीज़ समझता है, आपको भी पता है इसराइल को इतना सपोर्ट मिलता है इंडिया से, इसराइल के मतलब जितनी पॉपुलेशन नहीं उससे ज़्यादा सपोर्ट इंडिया से मिलता है, ये भी इसराइल के लोगों को पता है। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। अगर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।